दोस्तों फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हम सभी को बड़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन अगर बात की जाए रॉकेट मैन चीट कोड की, जो GTA San Andreas के अंदर हम बहुत यूज़ किया करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, आज भी खेलते होंगे कई लोग इस गेम को, जहाँ पर काम आ जाती है ये जो चीट कोड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन रियल लाइफ के अंदर इसको जेट पैक कहा जाता है, जो कि बहुत जगह पे उड़ाया भी जाता है, लेकिन ये रिलायबल चीज़ नहीं है। अगर हम सोचे कि भाई इतने सालों के बाद में आम जनता भी इस तक पहुंच सकती है, मतलब ये कुछ कम पैसों में, मतलब 10-15 लाख रुपए में आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ तो बिल्कुल उड़ा सकता है, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार चलो आप इसको लेके हवा में चले तो गए, लेकिन हल्की सी गड़बड़ी हुई तो 800, 900 या 1000 फीट, डिपेंड करेगा कितने एल्टीट्यूड पे आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और कितने एल्टीट्यूड पे जा सकता है, वहाँ से गिरना कितना डेंजरस हो सकता है, वो भी एक अच्छे खासे वेट के साथ में, क्योंकि ये भी कम वेट का नहीं होता है, 30-35 किलो का तो एटलीस्ट होता ही होगा, जिसको आपको उठाना भी है और ये आपको ऊपर लेके जाएगा भी। खैर उस टाइम पे तो आपको वेट फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ज़मीन पे आओगे तब वेट फील होगा, और अगर कुछ भी मिस हैपन होता है तो सीधा उस वेट के साथ में ज़मीन से आपका टकराव भी होगा। दरअसल इसी नवंबर में, जो लास्ट नवंबर गया, उसी नवंबर में UAE के अंदर एक 36 साल का प्रोफेशनल जेट विंग पायलट जिसका नाम था विंसेंट रफेट, वो इस क्रैश के अंदर मारे गए। और क्रैश कोई ऐसा प्लेन क्रैश नहीं था, दरअसल यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी इनसे हुई, ये बहुत कम एल्टीट्यूड पे थे। देखो कम एल्टीट्यूड पे भी रहोगे तो भी दिक्कत, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहे तो भी दिक्कत, तो बहुत ही रिस्की चीज़ है, जहाँ पर ये 800 फीट के एल्टीट्यूड पर थे और वहाँ पर इन्होंने बैक फ्लिप मारने का जैसे ही मैन्यूवर किया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और सीधा ज़मीन पर गिर गए, इनका पैराशूट तक नहीं खुला। लेकिन अगर हाई एल्टीट्यूड पर होते और इस तरीके का मैन्यूवर किया जाता तो ये बच जाते, अगर इनका इंजन फेल हो जाता हाई एल्टीट्यूड पर तो भी ये बच जाते, क्योंकि पैराशूट खुल जाता। तो ये कम एल्टीट्यूड पर उड़ाने वाली चीज़ है नहीं, और अपन कितना भी सोचे कि ये एक दिन आम जनता के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा जेट सूट, जो कि अक्षय कुमार भी उड़ाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनसे भी वो हो नहीं पाया था, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा डेंजरस चीज है, जहां पर दोनों ही हाथों के अंदर आपके हाथ पे जो इंजन बंधे हुए होंगे, जो कि आपको उठाएंगे, क्योंकि वो इंजन फोर्स लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, जैसे कि रॉकेट ऊपर जाता है और उसको आपने अपने हाथों पर लगा रखा है, उस हाथों पर लगाने के बाद में वो फोर्स ऊपर को लेके जा रहे हैं, अब आपका हाथ ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर आपने देखा हो पार्क वार्क के अंदर जो दो पोल होते हैं जिस पर हम अपना पकड़ के अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं, तो वही सेम प्रिंसिपल इसके अंदर चलता है, फोर्स ऊपर को लेके जा रही है, लेकिन हाथ कुछ इस तरीके से अकड़े हुए हैं या अकड़ाए हुए हैं कि आप अपनी बॉडी का वेट उठा रहे हो, और ये ज़्यादा देर तक किया भी नहीं जा सकता। रिचर्ड ब्राउनी इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि वही इसके इन्वेंटर हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉल भी उन्होंने सहाया, मतलब कई बार वो गिरे भी हैं, और इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है एक हाथ को दूसरे हाथ को, और ऊपर से स्पीड को भी कंट्रोल करना है, और आपको बॉडी को भी होल्ड करके रखना है, ऊपर को उठा के रखना है। तो एक तरीके से किसी पोल से, दो पोलों से लटकने वाली बात हो गई कि हम लटके हुए और कब तक लटकेंगे। तो ज्यादा देर तक इसको उड़ाना उन्हीं के लिए हो सकता है जिनके हाथों में बहुत ज्यादा जान है कि अपने वेट को उठाए रख सके, और वही सेम चीज बात है कि दोनों हाथों में है और इसकी वजह से हो सकते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि अगर हल्का सा भी अनबैलेंस हुआ, एक हाथ उधर गया तो बंदा उधर चला जाएगा, ये हाथ बिगड़ा तो बंदा उधर चला जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। हालांकि अक्षय कुमार ने ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन उनसे हो नहीं पाया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर ये उड़ा रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक एक्टर हैं, और अगर उन्होंने चलो ट्राई भी कर लिया ऐसा करने का और कुछ मिसहैपन हो जाता है, मतलब इधर के उधर चले जाते हैं, तो हड्डियां टूट जाएंगी, पूरा करियर यहीं ख़त्म हो सकता है। सो यही वजह है कि उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ ट्राई किया भी नहीं, उन्होंने जो भी सपोर्ट वपोर्ट लेके थोड़ा बहुत करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, और मे भी शायद आने वाले वक्त में किसी मूवी के अंदर वो करते हुए दिखाएं, जो कि ग्राफिकली एडिट वेडिट करके दिखाया जाए कि इस मूवी के अंदर इन्होंने इसके साथ में ऐसा किया। लेकिन अच्छा तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जो जेट ब्राउनी करते हैं, क्योंकि बाकियों को चाहिए प्रैक्टिस, और आम जनता के लिए तो ये बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि हाथों की ताकत और ऊपर से इसको जो बैलेंस करना होता है, एक तरीके से दो स्टेयरिंग संभालने वाली बात हो गई, कि एक स्टेयरिंग इधर से संभाल रखा है, एक स्टेयरिंग उधर से संभाल रखा है, और दोनों स्टेयरिंग से कार चलाई जा रही है, तो ये कुछ वैसे ही चीज़ है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लगता बड़ा ज़्यादा आसान है कि क्या करना होगा, हाथ में पहनना होगा, चलना होगा, नहीं, वेट होल्ड करना है अपना, अपने हाथों पर ये फोर्स आपको ऊपर लेके जा रही है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि आपकी बॉडी भी ऊपर जा रही है। और अगर बात की जाए
जेट पैक की, तो इस तरीके की चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। हाँ, देखने में मज़ा आ सकता है, इसके लिए प्रोफेशनल पायलट ही इसको उड़ाते हैं, लेकिन इंजन फेल हो जाता है तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। कईयों ने अपनी जान गंवाई है क्योंकि इंजन फेल ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर मान लो एक मंजिल हो गई, दो मंजिल हो गई। अब ये जो गिरे थे 800 फीट की ऊंचाई से गिरे थे, इनका पैराशूट तक डिप्लॉय नहीं हुआ। मैं विंसेंट रेफर्ट की बात कर रहा हूँ जिनका पैराशूट तक डिप्लॉय नहीं हुआ था, और डिप्लॉय भी क्या होता, खुला था और सीधा ही ज़मीन पर गिर गए थे। क्योंकि गिरने के वक्त में अगर वो आपकी स्पीड ही स्लो ना कर पाए, और स्पीड स्लो कैसे होगी गिरने की, जब पैराशूट खुलेगा ठीक ऊंचाई पे और धीरे धीरे आपको स्लो करता चला जाएगा। तो इसी वजह से ये चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए, आम जनता तक ये कभी नहीं आएंगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये एक सिंगल टॉपिक की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है। Thank you.